हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये वीडियो मैं शाम के वक्त इवनिंग में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग के बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। मैडम, डेमनिक अटैक जैसा लग रहा है मैम, बहुत ही हैवी एनर्जी लग रही है मैम, मेरी ट्रिगर हो गया, मैंने डीएम को ब्लॉक कर दिया, डीएम ने आके ट्रिगर कर दिया, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीक से हर दिन चैनलिंग दे रही हूँ डेमनिक अटैक के बारे में, आपकी वीकनेस पर ट्रिगर किया जाएगा, 11-11 पोर्टल से आपके असेंशन चालू होंगे, ट्रिगर्स होंगे, हैवी एनर्जी होगी, आपकी हर एक वीकनेस पर ट्रिगर किया जाएगा आपको असेंड करने के लिए। मैं आपको अलर्ट कर सकती हूँ, मैं आप लोगों की ज़िंदगी जी नहीं सकती, हर दिन आप लोगों के लिए वीडियोस चैनलिंग कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। सेकंड, हमारे सोल, मैंने अब तक 600 वीडियोस बना लिए हैं और फिर भी कुछ पुराने क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स हमारे सब्सक्राइबर्स मेल पे लिखते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक एंड सर्च 600 वीडियोस। तो कुछ पुराने डाउट्स, काफ़ी सारे डाउट्स मुझे मेल्स में आ रहे हैं एंड ड्यू टू वेरी बिजी शेड्यूल मैं क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रही थी, मेल में भी नहीं दे पा रही थी। तो मैंने एक डाउट सीरीज चालू करी है आज से, सोचा है कि थोड़ा थोड़ा 2-3 ही क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई टू आंसर। बाकी आप लोग प्लीज़ मेहनत करिए, 600 वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ जाके चेक करिए, उसमें सारे आंसर्स दिए हैं। पहला क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा, क्या मैम ट्विन फ्लेम्स जर्नी रियली एनलाइटमेंट की जर्नी होती है? ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एनलाइटमेंट ट्विन कैसे मिल सकता है हम लोगों को? हम लोग तो बहुत साधारण हैं। आप अपने आप को साधारण क्यों समझते हो? क्या आप गॉड्स की क्रिएशन नहीं हो? मतलब अगर गौतम बुद्धा जी को एनलाइटमेंट मिला है तो ही तो वो डेफिनेटली वो हमारा असेंडेड मास्टर है, वी कांट कंपेयर। बट व्हाई वी कांट कंपेयर? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, तो आप भी हार्ड वर्क करिए। सेकंड थिंग, एनलाइटमेंट किस पॉइंट कब मिलता है? जब हमने अपने सारे ब्लॉकेजेस, अपने इशू को, सारे कर्मों को क्लियर कर लिया, सारे अपने पास्ट लाइफ के कर्मास, दिस लाइफ की कर्मा, पास्ट लाइफ के इश्यूज, दिस लाइफ के इश्यूज जीरो कर लिए हों, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मैंने क्या बोला है, ट्विन फ्लेम जर्नी कब कंप्लीट होती है, यूनियन कब मिलता है? व्हेन यू क्लियर योर पास्ट लाइफ कर्मा, व्हेन यू क्लियर योर पास्ट लाइफ इश्यूज, व्हेन यू जीरो योर दिस लाइफ कर्मा एंड व्हेन यू आर जीरो दिस लाइफ इश्यू, तो अल्टीमेटली आप लोग इनर वर्क में और कर क्या रहे हो? अपने ब्लॉकेजेस पे तो काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस, तो व्हाई कांट यू डिजर्व एनलाइटमेंट? राइट, एनलाइटमेंट ऊपर से नहीं आता है, कोई आपको ताज पहनने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो सोल है वो असेंड हो जाएगी, यू विल बिकम अ डिवाइन सोल, यू विल टर्न टू अ मास्टर सोल, आपके अंदर पावर्स आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एक साधारण शरीर में भी, वो साधारण शरीर, एक बॉडी हो सकता है बहुत आपको साधारण दिखे, पर उस वो कितना पावरफुल इंसान है, उसकी सोल कितनी पावरफुल है, वो उसकी सोल कितनी स्ट्रांग है, वो कितना डिवाइन है, यू कांट जज, राइट। सेकेंड थिंग अबाउट द इनर वर्क, दोस्तों इनर वर्क पे मुझे चक्रास पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम क्या चक्रास करना सेव है? और ये क्वेश्चंस पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं, एंड यस दोस्तों देखिए, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी दैट टाइम चक्रास कहीं भी नहीं था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आई एम द पर्सन जिसने ट्विन फ्लेम्स में चक्रास लेके आया है, अजपा जाप लेके आया है एंड ओम चैंटिंग लेके आया है,
क्योंकि जब मैं फॉरेन के वीडियोस देखती थी तो वहाँ पर मेडिटेशन बोला जाता था, बट एग्जैक्टली व्हाट मेडिटेशन, क्या करना है, और तब आई थिंक कोरा वगैरह पे भी आंसर्स मिलते नहीं थे एग्जैक्टली. कुछ ऐसा लिटरेचर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था ऑन इनर वर्क. सो एज पर माई एक्सपीरियंस जो मुझे समझ में आया अबाउट द सोलर प्लेक्सस पुल, अबाउट द जिस वक्त बिल्कुल भी, अब तक है काफ़ी सारे वीडियोस रिसेंटली विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स काफ़ी सारे चैनल्स आई थिंक खुल गए हैं, सभी लोग यही बात कर रहे हैं. बट दैट टाइम जब लास्ट ईयर मैंने ये वीडियो बनाना चालू किया था, जब मैंने अपनी जर्नी चालू की थी, उस टाइम पे देर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चक्रास एंड अजापा जाप एंड ओम चैंटिंग. फिर मैंने वीडियोस में आप लोगों को साइंटिफिकली समझाना शुरू किया कि क्यों चक्रास करना है. बहुत इन द बिगनिंग में आप लोग क्वेश्चन करते थे, इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ नॉट सेफ, लेकिन बाद में आई प्रूव कि देखिए, जब आप किसी चीज़ को लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे, लाइक अगर आप उसको 20 से 30 मिनट कर रहे हो, तो वाई इट विल नॉट वर्क. और आप अगर सही तरीके से कर रहे हो तो वाई इट विल नॉट वर्क. बट अगर आप रॉन्ग तरीके से कर रहे हो, अगर आप उसको बीज मंत्र को आप दिन भर अजब्बा जाप की तरह चांट करते रहोगे, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी रिस्की. मैंने आपको बताया भी है कि आपको खाने में अगर 2 रोटी खानी है, अगर आप 2 की जगह 10 रोटी खाओगे तो वो रोटी भी आपके लिए डेंजरस है, राइट. बट आपको अपने पास्ट लाइफ इश्यूज, अपने पास्ट लाइफ के सारे इश्यूज जो आपको जीरो करने हैं, वो चक्रा से ही कर सकते हैं. यू हैव टू लिटरली गिव वाइब्रेशंस टू योर चक्रा सेंटर्स, तभी वो सेक्रेड एनर्जी ऊपर की तरफ उठेगी, जो आपको पीस और बैलेंस की स्टेट में लेके आएगी. दैट विल गिव क्लैरिटी टू यू, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट कॉर्ड्स कनेक्टेड विद योर पर्सन, वो भी आपके साथ अवेकन होते हैं. सो चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ओनली की यूनियन की एज पर आई एक्सपीरियंस्ड. इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम्स में चक्रास को लेके आई. सेकेंड थिंग, अजप्पा जाप लाने का मेरा रीजन था कि जो हमारे पास लाइफ के कर्मा होते हैं, हम नहीं जानते कि हम कैसे उसको क्लियर करें. डेफिनेटली आप दान दक्षिणा करके हाउ मच यू कैन क्लियर, वेन यू कीप चैंटिंग नेम ऑफ लॉर्ड, तो आप इस प्रकार से अपने उस मंत्र को अपने जिह्वा पे सिद्ध करते हो. और ये अजप्पा जाप आपकी चक्रास को भी स्ट्रांग करता है और ज़्यादा अच्छे से ओपन करता है. तो आप अपने कर्मास को भी क्लियर कर रहे हो, आप अपने चक्रास को भी स्ट्रांग बना रहे हो, और एट द सेम टाइम डेमोनिक अटैक से ही बच रहे हो. सो दैट वॉज द साइंटिफिक रीजन कि मैं अजप्पा जाप को ट्विन फ्लेम्स में लेके आई. थर्ड थिंग, मैं ओम चैंटिंग लेके आई बिकॉज मुझे जो हम लोग डाउनलोड्स होते हैं, चैनलिंग्स होती है, इस व्हेन यू विल कनेक्ट डेवलप योर कनेक्शन विद द गॉड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेलीपैथी डेवलप विद कनेक्शन विद एनीवन, सिर्फ गॉड ही नहीं, विद योर डीएम और विद एनीवन, आप हम अपने टेलीपैथी पे कर सकते हैं व्हेन योर थर्ड आई इज एक्टिवेटेड, ठीक है. तो वो कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, कैसे हम हर दिन अपने सारे आंसर्स भगवान से कैसे मांग सकते हैं. अदरवाइज एवरी डे यू नीड टू कॉल मी फॉर दिस एंड दैट, फॉर एवरी स्मॉल रीजन, स्मॉल प्रॉब्लम और बिग प्रॉब्लम. सो यू शुड हैव योर ओन आंसर्स बिकॉज यू शुड हैव योर ओन कनेक्शन विद द गॉड. सो आई ब्रॉट ओम चैंटिंग, ठीक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज beside this spiritual practice is working on your blockages, क्योंकि मोक्ष तो blockages heal करके ही मिलेगा और कर्मा आपका zero करके ही मिलेगा. So this is part of my inner work, जो कि I think exactly कहीं भी बताया नहीं गया. Yes, आप yoga, exercise, dance, everything, आप उससे अपनी vibration को high कर सकते हो, but medicine, द मेन ट्रीटमेंट इज दिस ओनली. जब तक आपके इशू ही हील नहीं होंगे इस चक्रास, जब तक आपके इशूज ही हील नहीं होंगे, आप हाई वाइब्रेशन में रह के कौन सी जर्नी पूरी कर सकते हो, सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रह के. आपकी चक्रास वैसे ही ब्लॉक्ड हैं, हाउ कुड यू हील योर ऑल योर एरियाज विद,
इट्स जस्ट लाइक कि आपने घर के बाहर का दरवाजा, घर के दरवाजा, जो घर का दरवाजा होता है वो बाहर से डेकोरेट कर लिया, पर अंदर तो आपके घर गंदा ही पड़ा हुआ है। इट्स जस्ट लाइक कि चक्रा आपके ब्लॉक्ड ही हैं, गंदे पड़े हैं, क्लीन नहीं है, हील नहीं है, बट आप सिर्फ हाई वाइब्रेशन में हो बिकॉज ऑफ द योगा एंड एक्सरसाइज एंड डांस। सो चक्रास इसलिए इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए ये मैंने इनर वर्क का अपना बनाया था वीडियो। अनदर क्वेश्चन इज, यस डीएम इंसर्ट करता है फिर भी हम उसको भुला क्यों नहीं पाते हैं। यस ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब बातें मैं वीडियोस में बोल चुकी हूँ, डीएम एक्चुअली इंसर्ट नहीं कर, यस ये बात सच है कि डीएम चाहे कितना भी हम हमारी इंसर्ट करे, वो कितना भी हमको मतलब इग्नोर करे, हमसे भागे, हमको कोई सपोर्ट भी ना करे, वो कितना भी बुरा है, फॉर एग्जाम्पल इन द 3D पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो बिल्कुल भी आपको लाइक पैम्पर नहीं कर रहा है, वो बहुत ही बुरा लग रहा है आपको, तब भी आप अपना मन उससे हटा क्यों नहीं सकते? और आपके जो सोलमेट्स होते हैं वो इतना पैम्पर कर रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं, फिर भी आपको वो आपको क्लिक ही नहीं करते। ये बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि यही ये जर्नी है, क्योंकि आपका जो डीएम होता है वो आपको आपको मिरर दिखाता है, वो आपके लिए ऐसा नहीं होता, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है डीएम। और तो इसीलिए हम कहते हैं जिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैरिज करने का शौक है कि ट्विन से मैरिज होनी ही चाहिए, दे शुड बी वेरी दिस थिंग कि यस आपका जो ट्विन होगा वो आपको पैम्पर नहीं करेगा, वो हमेशा आपके फ्लॉज को ऊपर लेके आएगा, बट ही इज योर ट्रू टीचर एंड दैट इज द वाई ही इज योर ट्विन इज योर अल्टीमेट लवर, क्योंकि वो आपका ट्रू टीचर है, ठीक है। बट यस दिस इज ट्रू, ये होता है, और इसीलिए हमारी जर्नी, इसीलिए हमको सोल शॉक मिलते हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सो आई थिंक आज हम इतने डाउट्स लेते हैं, आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप लोगों को पता है जो मैंने चक्र अफर्मेशंस का वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत से बनाया था, आप लोग जो भी इनर वर्क अभी कर रहे हैं, सोने के पहले, रात में सोने के पहले उस चक्र अफर्मेशन का वीडियो रोज कान में लगा के सुनिए, ओनली सुनिए, नो नीड टू चैंट, और वो सुन के फिर आप लोग सोइए। आप पूरे 2020 तक वैसा करिए एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। एंड दैट आल्सो आई पर्सनली मेड दैट चक्र अफर्मेशन वीडियो फॉर माय सोल फैमिली, बिकॉज यस वी आर फैमिली, और हम लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सो आई लव यू ऑल एज माई फैमिली, ठीक है। तो चक्र अफर्मेशंस का वीडियो सर्च करिए, उसको आप लोग रोज रात में सुन के फिर सोइए, इट विल वर्क एज मिरेकल, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।